अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और अभी तकरीबन 1:15 हो रहे हैं और बारिश हो रही है बहुत तेज़। मुझे जाना है स्कूल और मैं निकल के बस यही खड़े होकर सोच रही हूँ कि मैं गाड़ी तक भी कैसे जाऊँ, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। खैर, मैं स्कूल पहुँच गई हूँ बच्चों को, बस मैं गाड़ी आज बारिश की वजह से ना स्कूल के गेट पर सारी गाड़ियाँ रुक रही हैं और बिल्कुल आगे जगह नहीं, बहुत रश लगा हुआ है, तो मैंने थोड़ा दूर ही गाड़ी खड़ी की है, क्योंकि फिर वो गाड़ियों के रश में फंसने से बहुत मुश्किल होती है। तो बस मैं घर जा रही हूँ। घर जाने के बाद जो है वो वही रूटीन वाले काम करेंगे, इसको सुलाना है, खिला पिला के सब कुछ करके और अपने काम में लगना है। मैं बना रही हूँ रात के लिए चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ और बहुत ही सिंपल आसान है। ऑयल गर्म करेंगे और मैं चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद इसमें नमक डाल के इसको हम पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर और उसमें जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डालते रहेंगे। अच्छा, स्पाइसेस जो है इसके अंदर वो मैं सब लास्ट में डालती हूँ, जब टमाटर वगैरह गल जाता है तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाला जो है ना वो थोड़ा सा फ्रेश रहता है तो अच्छा लगता है खाने में, वरना बिल्कुल पका पका के ना उसका जायका बिल्कुल टेस्ट लेस हो जाता है। तो बस यहाँ पे चिकन को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब चिकन ब्राउन होने लगेगी तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसका पानी हम ड्राई करेंगे। अच्छा, ये मैं चिकन कढ़ाई जो है वो लोहे की कढ़ाई में ही बना रही हूँ, उसमें टेस्ट ज़रा अच्छा भी आता है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये होने के बाद मैं इसको टमाटर डाल के ढक दूँगी जब तक टमाटर गलते रहेंगे। और इसका फिर आप यूँ भी कर सकते हैं कि टमाटरों को आप पीस के भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरीके से बड़े बड़े पीस काट लें और उसके बाद जब इसको ढक दें थोड़ी देर के लिए, इतने में जो है इनका छिलका जो है वो नरम पड़ के ख़ुद ही निकल जाता है। तो मैंने भी यही किया है, बस बाकी जो टमाटर साबित साबित है उनको मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो उसमें जो है मैं डालूँगी जीरा कुटा हुआ, काली मिर्च कुटी हुई और यह लाल मिर्च कुटी हुई, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। उसके बाद जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया कुटा हुआ एक। अच्छा, सारी स्पाइसेस जो है मैं कुटा हुआ डालेंगे, हम बिल्कुल बारीक पीस के नहीं डालेंगे तो उसमें टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। तो अगर आपको चाहिए बाज़ार वाला लुक तो टेस्ट खाने में, तो आप थोड़ा सा कूटा हुआ ही डालिएगा, बिल्कुल पीसना नहीं है इसको, बारीक नहीं करना है। ठीक है जी, ये सब डाल दिया मैंने इसके अंदर। काली मिर्च थोड़ा मैं लास्ट में डालूँगी वरना ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। सब कुछ करने के बाद काली मिर्च डाल दिया। इसमें टोटल ये चार मसाले ही जाएंगे, नमक छोड़ के नमक मिला लेंगे तो पांच हो जाते हैं, और कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल भी नहीं, बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है। बस इसको मैं ढक दूँगी 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैं हरी मिर्च और हरा धनिया से इसको गार्निश कर दूँगी और उसके बाद रात का खाना हम खाएँगे। और रोटी बना रही थी मैं जिस टाइम, तो उस टाइम बहुत तेज़ हवा चल रही थी, आंधी जैसे, बहुत तेज़ हवा के जैसे तूफान आया हो, तो वो भी मैंने फिर जाके थोड़ा सा उसको भी मैंने कैप्चर किया। तो बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हो तो वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी दूसरी वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।